हेलो एवरीवन, वेलकम, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, आज हम क्या करने वाले हैं सेशन में, हम जून के जो दो वीक अभी तक हो चुके हैं उन सभी में जितने भी करंट अफेयर्स रह चुके हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे, और इनको कोशिश करेंगे कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें, क्योंकि अब जो है हम क्या करेंगे MCQ फॉर्म में भी देखेंगे, और प्लस जितनी भी न्यूज़ थी ना उन सब के रिलेटेड जो भी अगर आसपास की भी मतलब उस न्यूज़ से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट्स बनते हैं उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और यहाँ से आपके ना दोनों जून का करंट फिर कवर होने वाला है, तो आपको कहीं नहीं जाना, वीडियो को बस यहां शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है। अपने चाय कॉफी जो भी है लेकर आ जाओ और बिल्कुल डेस्क पे बैठ जाओ, आराम से बैठकर देखो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट करंट अफेयर यानी फर्स्ट न्यूज से। तो हु हैज लॉन्च द समर्थ कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन इन 50,000 ग्राम पंचायत इन लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान किसने शुरू किया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद इन्फोसिस लिमिटेड एंड NASSCOM टू एनहांस द स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक MOU साइन हुआ है इन्फोसिस लिमिटेड और NASSCOM के बीच में। वो दोनों क्या कर रहे हैं, मिलकर एक इस तरीके का कोई प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे जहाँ पे जो भी हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स हायर मतलब इंस्टीट्यूशन में, उनके लिए ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट कराना जहाँ पे उनके स्किल्स को और एम्प्लॉयबिलिटी को और ज़्यादा एनहांस किया जा सके। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलरली होने वाला है ये किस स्टेट में होने वाला है, ये ओडिशा में होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष हैज ऑर्गेनाइज्ड अ मेगा योगा फेस्टिवल इन विच सिटी। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है ना, वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ आयुष ने क्या करा है, एक योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, तो वो कौन सी सिटी में, तो आपको ये बताना है। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा, हैदराबाद के अंदर ही क्या हुआ है, ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्या है ये मेगा योगा फेस्टिवल इन हैदराबाद। तो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में क्या हुआ है कि यूनियन मिनिस्टर आयुष ऑफ आयुष ने क्या किया है, योगा फेस्टिवल क्या किया है मतलब वहाँ पे कंडक्ट कराया है एट NCC परेड ग्राउंड हैदराबाद। ठीक है, अब जो तेलंगाना के गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, वो चीफ गेस्ट बने थे इस योगा फेस्टिवल में, और वो कहाँ पे हुआ था, NCC परेड ग्राउंड में। अच्छा, मेरे को कॉमेंट बॉक्स में आप ये बताना कि कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। The National Tiger Conservation Authority has constituted an 11-member Cheetah Project Steering Committee. Who will head this committee? आपको बताना है कि अभी हाल ही में एक National Tiger Conservation Authority ने क्या करा है, 11 member की कमेटी बनाई है। क्यों बनाई है? सो दैट वो चीता प्रोजेक्ट यानी कि चीता जो है उसको कंजर्व कर सके, उसको प्रिजर्व कर सके। तो ये जो है मतलब इस वाली पूरी कमेटी को कौन हेड करेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राजेश गोपाल। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग को चेयर किया है, तो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस मीटिंग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो 8th मीटिंग हुई है गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग, उसमें थीम क्या रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीम रही है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, विकसित भारत 2047। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखते हैं क्या है। अब देखो, पीएम मोदी ने, आप सभी को पता होगा कि नया पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है वो अभी इनॉग्रेशन हुआ है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का। तो अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं उस मीटिंग मतलब उस वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड क्या क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन कर दिया है नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का, और वहाँ पे एक हिस्टोरिक क्या है, सेप्टर सिंगोल जो है वो क्या किया है, इंस्टॉल किया है नियर द लोकसभा स्पीकर की चेयर के पास। अच्छा, क्या होता है ये सिंगोल, पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको रेड कलर में जो पिक्चर दिख रही है इसको कहते हैं सिंगोल। अब देखो यहाँ पे जब वो इनॉग्रेशन हो रहा था, यहाँ पे एक पूजा और मल्टी फेथ प्रेयर भी रखा गया। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और अधिनाम जो है वो भी प्रेजेंट थे। तो जैसे ही पीएम मोदी वॉक इनटू यानी कि जब अंदर आते हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग में, तो वो सिंगोल जो है हैंड ओवर करते हैं पीएम मोदी को, और वो क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस इनॉग्रेशन पे 75 रुपये की डिनोमिनेशन कॉइन भी जो है क्या करा था, इशू करा था। अब जो ये कॉइन जो मतलब इशू करा है, लॉन्च किया है, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, मतलब इसको आप मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन में या खरीदने में या बेचने में या फिर इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो। ये केवल कॉम्यूमरेटी यानी किसी इवेंट को यादगार बनाने के लिए ये कॉइन लॉन्च किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट सुमन शर्मा स्वॉन इन एज ए मेंबर ऑफ द यूनियन UPSC। यहाँ पे देखो UPSC की है ना एक नई सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है सुमन शर्मा को अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे देखो दो होते हैं, एक तो होते हैं UPSC के चेयरमैन, तो वो अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे सुमन शर्मा क्या है, यहाँ पे एक तरीके से मेंबर है। मेंबर क्या करते हैं, बेसिकली उसको फंक्शन कराने में हेल्प करते हैं, लेकिन चेयरपर्सन कौन होते हैं, जो उसको ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं। अब UPSC जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये कौन से आर्टिकल के अंदर आती है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो आपका आंसर हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 315 के अंदर
अंदर क्या आती है, यूपीएससी बॉडी आती है। चलो आगे चलते हैं। द सेकंड मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड टूरिज्म वाज हेल्ड इन विच सिटी। यहां पे देखो G20 की एक मीटिंग हो रही है। अब G20 की जितनी भी मीटिंग होती है इस तरीके की, वो सारी G20 ही हेड करता है। तो यहां पे कौन सी मीटिंग हो रही है, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, ठीक है। तो यहां पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी सिटी में ये हुई, तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऋषिकेश, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Who has recently created a Guinness World Record by singing Shri Ramcharitmanas for 138 hours, 41 minutes and 2 seconds? तो यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में Guinness World Record बनाया है, श्री रामचरितमानस को गाया है 138 घंटे 48 मिनट और 2 सेकंड तक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने जो है रिकॉर्ड बनाया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, डॉक्टर जगदीश पिल्लई। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली अचीव्ड 100% हाउसहोल्ड कवरेज ऑफ बैंकिंग सर्विस एक्सटेंडिंग देम टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द पीपल अंडर जनधन योजना। अब देखो जनधन योजना जो थी उसके अंतर्गत क्या हुआ है कि जितने भी एक कोई ऐसा स्टेट है इन ऑप्शंस में से जिसने क्या किया है कि 100% कवरेज कर दिया है, मतलब जो बैंकिंग सर्विसेज है ना वो हर घर तक पहुंच गई है, ठीक है। तो वो कौन सा स्टेट बना है पहला जिसने 100% कवरेज कर लिया है, तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना स्टेट। चलो एक बार और देख लेते हैं डिटेल में इसमें। तेलंगाना ने अचीव किया है 100% कवरेज ऑफ PMJDY, ठीक है। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना जो लॉन्च हुई थी, तो तेलंगाना स्टेट के अंदर क्या हुआ है कि 100% जो है जब से ये लॉन्च हुई है स्कीम तब से लेकर अब तक जो है 100% कवरेज हो चुका है बैंकिंग सर्विसेज का, और ये सभी हाउसहोल्ड पीपल में पहुंचा दी गई है, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं पीएम मोदी की जो कवरेज हुआ है 100% लोगों का, इसमें क्या हुआ है कि उनको 135 वेलफेयर स्कीम का फायदा मिलेगा, और इसके अलावा जिनका भी जीरो बैलेंस अकाउंट था उसके अंदर भी जो है उनको क्रेडिट कर दिया गया है जो भी अमाउंट या फिर बेनिफिशरीज जो भी था वो, ठीक है। अब एक बार तेलंगाना से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। कैपिटल जो है इसकी हैदराबाद है, चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर कौन हो जाएंगे, तमिलिसाई सौंदरराजन। अच्छा यहाँ पे तेलंगाना का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही रीसेंट स्टेट है जो बना था, तो ये 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना स्टेट। आगे चलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी अटल भूजल योजना फॉर 2 more years अंटिल 2025, ठीक है। तो कब जो है अटल भूजल योजना स्टार्ट हुई थी, तो ये जो स्कीम है हमारी स्टार्ट हुई थी 2019 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बांद्रा वर्सोवा समुद्री मतलब पुल का नाम किस पे नाम पर रखा जाएगा, ओके। तो यहाँ पे बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज जो है वो एक रीनेम करा जा रहा है। अच्छा आपका नाम बांद्रा सुन के आपको मुंबई तो याद आ ही गया होगा, ठीक है, तो मतलब भी महाराष्ट्र में। तो ये जो ब्रिज है रीनेम किया जाएगा किसके नाम पर, तो आंसर हो जाएगा वीर सावरकर के नाम पर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज विल बी नेम्ड आफ्टर वीर सावरकर। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो बांद्रा वर्सोवा सी रूट है मुंबई का उसको रीनेम किया जाएगा स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु, ये पूरा उसका नाम होगा। तो अभी क्या था कि जो ये है एक मिनट, ओके हाँ, तो देखो यहाँ पे ये है कि अभी जो है बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी, जो वीर सावरकर है उनकी 140th बर्थ एनिवर्सरी पे ये अनाउंस हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा मैं महाराष्ट्र के थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं कि देखो कैपिटल जो होती है मुंबई होती है, और चीफ मिनिस्टर जो है अभी की कौन है, एकनाथ शिंदे, और गवर्नर कौन हो जाएंगे, रमेश ब्यास। चलो आगे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड नमो शेतकरी महासम्मान योजना, ठीक है, एक योजना का नाम है ये। तो ये पूछा जा रहा है कि ये नमो शेतकरी महासम्मान योजना किसने शुरू करी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र ने इसको क्या करा है, लॉन्च किया है। चलो खीर भवानी मेला सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी, यहाँ पे आपको कम्युनिटी के नाम दे रखे, पूछा जा रहा है कि कौन सी कम्युनिटी खीर भवानी मेला को सेलिब्रेट करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा कश्मीरी पंडित, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई जो है आपका आंसर हो जाएगा। आपने मूवी भी देखी होगी कश्मीरी फाइल, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट विल बी नेम्ड आफ्टर वॉरियर क्वीन अहिल्याबाई होलकर। अहमदनगर इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट, यहाँ पे देखो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेसिकली आपको दो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट को है ना मतलब रीनेम किया जा रहा है किसके नाम के ऊपर, क्वीन अहिल्याबाई होलकर के नाम पे। अब पूछा जा रहा है कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, तो ये जो है आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। चलो अहमदनगर का जो है रीनेम किया जाएगा अहिल्याबाई होलकर के नाम पे, ठीक है, ये हो गया आपको मुंबई के, अभी महाराष्ट्र के अपने फैक्ट पढ़ी लिए थे। आगे चलते हैं। Which of the following country has recently celebrated the Bhoto Jatra Festival? तो Bhoto Jatra Festival किसने मनाया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर दिनेश अपॉइंटेड एज CII प्रेसिडेंट फॉर 2023 एंड 2024। देखो यहाँ पे क्या है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने हाल ही में अपना जो है CII के प्रेसिडेंट को नए प्रेसिडेंट को चुना है, और उनका नाम है आर दिनेश, ठीक है। चलो अभी इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, संजीव बजाज को किया है। अच्छा यहाँ पे हम रीसेंट अपॉइंटमेंट भी देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में अभी रीसेंट अपॉइंटमेंट हुई है। तो सबसे पहले कि चेयरमैन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अभी जो है हाल ही में इन्होंने भी क्या किया है, अपना चेयरपर्सन अपॉइंट किया है, और इनका नाम है हर्ष जैन। इसके अलावा
प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये कौन बने? डॉक्टर के गोविंद राज। चलो आगे देखते हैं। एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा केमिकल बोर्ड आर मुकुंदन, ठीक है, ये अभी जो है इनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के जो चेयरमैन बने वो बने अनिल कुमार जैन। चलो आगे चलते हैं। मुकेश अंबानी ने एडवाइजरी कमेटी ज्वाइन कर ली है COP28 प्रेसिडेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता होगा कि COP28 जो है वो किससे रिलेटेड होता है, वो क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो रिलायंस के चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उनको सेलेक्ट कर लिया गया है कि वो एडवाइजरी कमेटी में बैठे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो जो ये है UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो पूरी कमिटी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब स्टेब्लिश हुई थी? तो ये 1992 में हुई थी। कब? जब रियो डी जनेरियो में क्या हुआ था, एक समिट हुई थी ब्राजील के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे इसका क्या हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था या फिर स्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके यहाँ पे UNFCCC के सेक्रेटरीट जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, दैट इज इन बॉन जर्मनी। चलो आगे चलते हैं। श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक। यहाँ पे आपको जिन पर्सन की पिक्चर दिख रही है वो अभी हाल ही में चुने गए हैं एज ए सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि रीसेंट अपॉइंटमेंट जो है बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर में कौन कौन सी हुई है। तो देखो अभी पेटीएम के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं और उनका नाम है विजय शेखर। इसके अलावा IDBI बैंक के MD बने हैं जया कुमार एस पिल्लई, ठीक है। इसके बाद जो है पेटीएम के सीईओ बने हैं भावेश गुप्ता, ठीक है। इसके अलावा बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD एंड सीईओ बने देवदत्ता चंद। इसके अलावा बात करें तो MD एंड सीईओ बने बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कुमार, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चुने गए हैं, ठीक है, 2023 के लिए। अच्छा, कौन है ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव? तो ये है 1988 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर, जो कि असम मेघालय कैडर के IAS ऑफिसर थे, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं रिसेंट अपॉइंटमेंट कहाँ कहाँ पे हुई है। तो देखो जो UPSC के मतलब कौन है मेंबर, अभी हमने बात करी थी ना, सुमन शर्मा बनी है, ठीक है। और इसके अलावा CII में अभी कौन बने थे चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट आर दिनेश। इसके अलावा हमने बात करी थी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने, दैट इज हर्ष जैन। प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौन बने, डॉक्टर के गोविंद राज। और MD एंड CEO ऑफ टाटा केमिकल बोर्ड के कौन बने, आर मुकुंदन। चलो आगे चलते हैं। बोला अहमद तिनुबु स्वॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नाइजीरिया। यहाँ पे बस आपको इतना सा याद रखना है कि नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बने बोला अहमद तिनुबु, ठीक है। अब इसके अलावा नई वो देख लेते हैं PM एंड प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ के चुने गए वर्ल्ड वाइड। तो पराग्वे के जो है अभी नए प्रेसिडेंट चुने गए और उनका नाम है सेंटियागो पेना, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश के जो है नए प्रेसिडेंट चुने गए, उनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। इसके अलावा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK कौन है, ओलिवर डोडेन। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ कुबा कौन है, मिगुल डियाज कैनल। इसके अलावा UAE के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। तो आप शेख मंसूर याद रख लो, काम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो चमन लाल इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन लॉर्ड मेयर ऑफ ब्रिमिंगम। यहाँ पे मतलब ये न्यूज की इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जो बने हैं ये इंडियन ओरिजिन के और कहाँ पे ब्रिमिंगम जो है वहां पे जाके ये सर्व कर रहे हैं एज लॉर्ड मेयर। तो जो काउंसलर है चमन लाल, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि वो मतलब ब्रिटिश इंडियन सिख जो है वो बन गए हैं कहाँ पे, लॉर्ड मेयर बने ब्रिमिंगम में। इसके अलावा और बात कर लेते हैं ऐसे पर्सन की जो इंडियन ओरिजिन में लेकिन सर्व करेंगे इन फॉरेन कंट्रीज, जैसे कि US की एम्बेसडर बनी है फॉर ग्लोबल वुमेन इशू और उनका नाम है गीता राव और ये भी इंडियन अमेरिकन यानी इंडियन ओरिजिन की है और अमेरिका में जाके सर्व करेंगी। डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर इन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो जो बाइडन है USA में प्रेसिडेंट, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है एक एडवाइजर बनी है और उनका नाम है नीरा टंडन, ठीक है, ये भी इंडियन ओरिजिन की है। प्रेसिडेंट जो है वर्ल्ड बैंक के, ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं और ये कौन है, अजय बंगा, जो हाल ही में अभी चुने गए हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो है एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी यानी AAU टास्क फोर्स की चेयरपर्सन कौन बनी, नीली बंदोपति, ये भी इंडियन ओरिजिन की है। वारंट ऑफिसर ऑफ UK रॉयल एयरफोर्स जो है अभी हाल ही में इनको भी नया अपॉइंट किया गया है, दैट इज सुबी सुब्रमण्यम, जो भी इंडियन ओरिजिन की है। चलो आगे चलते हैं। तैयब एर्डोगन रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की। तो आपको क्या याद रखना है कि तुर्की के नए प्रेसिडेंट बने तैयब एर्डोगन, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो देखो अभी हमने जो है बात करी ली थी कि PM एंड प्रेसिडेंट ऑफ अलग अलग कंट्रीज, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया कौन बने, बोला अहमद तिनुबु। पराग्वे के सेंटियागो पेना। बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK ओलिवर डोडेन। क्यूबा के कौन बने प्रेसिडेंट, मिगुल डियाज कैनल। और वाइस प्रेसिडेंट बने UAE के शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। के कीर्ति निवासन टेक्स चार्ज एज द CEO ऑफ TCS। TCS के जो है अभी के कीर्ति वासन जो है वो बन गए हैं CEO, ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है।
इसके अलावा जो है बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, अभी हमने बात करी थी कौन था वो, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखो हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी पहले डिस्कस करी थी ना उनको फिर से रिवाइज कर रहे हैं, मतलब एक बार को हम मल्टीपल बार रिवाइज करें इस एक सेशन में, तो मतलब कितना ज्यादा अच्छी बात है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि साथ के साथ में याद करते हुए भी चल रहे हैं, तो हम जितना भी अभी बात करी थी सबको ऐसे रिवाइज करते हुए चल रहे हैं बार बार, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में चीजें अभी की अभी याद हो जाएंगी। तो देखो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने अभी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यूपीएससी के जो नए मेंबर बनी है वो बनी है सुमन शर्मा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के कौन बनी है, प्रेसिडेंट आर दिनेश। और चेयरमैन जो बनी है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, कौन बने, हर्ष जैन। इसके बाद बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट बने वो हैं डॉक्टर के गोविंदराज। और टाटा केमिकल बोर्ड के जो एमडी एंड सीईओ बने वो क्या हैं, आर मुकुंदन। Who has been appointed as the member of UPSC? अभी हमने बात करी थी ना सुमन शर्मा बनी है, लेकिन एक और जो बने हैं उनका नाम है विद्युत बिहारी स्वैन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सारथी। आपको बस इतना याद रखना है कि एक्सिस बैंक ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है सारथी, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किए हैं बैंक्स और इंश्योरेंस सेक्टर्स में। तो पेटीएम ने देखो लॉन्च किया है पेटीएम SBI कार्ड ऑन रुपए, और किसके साथ मिलकर किया है, NPCI। अच्छा NPCI का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना एक बार। और इसके अलावा देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या लॉन्च किया, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर, जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर है उनके लिए रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। RBI BIS ने लॉन्च किया है टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं G20 टेक स्प्रिंट। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है फेस ऑथेंटिकेशन फॉर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसके अलावा देखो HDFC बैंक ने क्या लॉन्च किया है, स्मार्ट सारथी। अब देखो आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे आपको याद रखना है एक्सिस बैंक ने केवल सारथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, लेकिन जो HDFC बैंक है ना उसने स्मार्ट सारथी मतलब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, RBI ने देखो 84.5 लाख पेनल्टी लगाई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे। क्यों लगाई है पेनल्टी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स एंड प्रोविजंस थे जिनका नॉन कंप्लायंस हुआ था रिलेटेड टू किससे, देख लेते हैं एक बार न्यूज़ में, फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजन ऑफ नॉर्म्स रिलेटेड फ्रॉड क्लासिफिकेशन। ओके, तो देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग एंड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड काफी फ्रॉड्स एंड नॉन कंप्लायंस हुए थे, उसकी वजह से क्या हुआ था, RBI ने क्या करा, पेनल्टी इम्पोज कर दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे। अच्छा देख लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कुछ फैक्ट्स। तो यहाँ पे जो है फिरोज शाह मेहता जो है इसके फाउंडर है, इसके अलावा सौराब जी ये भी जो है इसके फाउंडर है। अच्छा इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 21 दिसंबर 1911 को जो हुआ था ये इसका फाउंडेशन ईयर है। 1911 के कोई एक हिस्टोरिकल मुझे आप घटना बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के कि 1911 का मतलब क्या क्या हुआ था 1911 में, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेट है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा देखो यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, दैट इज इन मुंबई। MD एंड CEO कौन है, मातम वेंकटा राव। चलो आगे चलते हैं फिर, इक्विटाइज SFB पार्टनर विद IBM फॉर डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, तो देखो इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या करा, एक एग्रीमेंट साइन किया है विद इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM के साथ, जिससे कि वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना सके बैंकिंग के लिए, ठीक है। अब देखो आगे क्या है कि यहाँ पे और सारे बहुत MOU साइन हुए बैंकिंग सेक्टर में, तो एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं। HDFC बैंक ने मणिपाल ग्लोबल के साथ क्या किया है, टाइप किया है जिससे कि वो एक टैलेंट पाइपलाइन बिल्ड कर सके। इसके अलावा कैपिटल SFB पार्टनर विद मैक्स लाइफ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया है इंडिया शेल्टर फाइनेंस फॉर को लेंडिंग स्मॉल लोन्स, ठीक है। शिवालिक SFB पार्टनर्स विद RE.AG टू एम्पावर स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। चेन्नई मेट्रो लॉन्च्ड सिंगाड़ा चेन्नई कार्ड विद SBI। एग्री टेक कंपनी ने लॉन्च किया फसल टायर्स विद SBI टू हेल्प फार्मर्स गेट ईजी एक्सेस टू लोन्स। RINL ने ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड जो है जीत लिया है 2023 के लिए। अब एक बार देख लेते हैं रीसेंट अवार्ड कौन कौन से हैं, किस किस को मिले हैं। तो देखो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है दामोदर मौजो को मिला है। होनोरी स्कॉसर्ड एपिक्स यूनिवर्सिटी किसको मिला है, सोनू सूद को। नेशनल वाटर अवार्ड किसको मिला है, चंडीगढ़ को। फिजिका हाई सिविलियन अवार्ड मिला है हमारे PM मोदी को। पपुआ नी गुनिया के जो हाई सिविलियन अवार्ड है वो भी हमारे PM मोदी को मिला है। और भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड किसको मिला है, योगी आदित्यनाथ को। इंडिया ने जीत लिया है जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी का टाइटल, ठीक है। तो देखो ये कहाँ पे हुआ, ओमान में हुआ, और किसको हराया, पाकिस्तान को हराया, और जो इंडिया है जो जीत गया है जूनियर मेंस हॉकी टीम का टाइटल। चलो अब देखते हैं आगे, 57 ज्ञानपीठ अवार्ड अभी हमने बात करी थी ना कि दामोदर मौजो ने जीत लिया है। कैसे हैं ये राइटर, ये देखो स्टोरी राइटर है, नॉवलिस्ट है, क्रिटिक है, स्क्रीन राइटर है, कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, कोंकणी लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। और ये जो अभी मतलब अवार्ड मिला है 57th मिला है, ये एडिशन याद रखना, पूछा जा सकता है। रीसेंट अवार्ड अभी हमने बात करी थी, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखो हॉनरी स्कॉसर्ड एपेक्स यूनिवर्सिटी किसको मिला है, दैट इज इन सोनू सूद को। इसके अलावा नेशनल वाटर अवार्ड मिला है चंडीगढ़ को। फिजिका हाई सिविलियन अवार्ड मिला है PM मोदी को। पापुआ न्यू गिनिया का अवार्ड मिला है किसको, PM मोदी को। फ्रांस का हाई सिविलियन अवार्ड मिला है हमारा टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। आगे चलते हैं,
कौन सी कंट्री ने अभी टेस्ट फायर की है बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है खेबर। तो देखो यहाँ पे आपको खेबर नाम का जो ये है मिसाइल, इसका नाम याद रखना है कौन सी कंट्री की है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो है आपकी पर्टिकुलर मिसाइल, ये है आपकी ईरान कंट्री, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हु हैज वन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ मलेशिया मास्टर 2023 एट द क्वालालंपुर। तो यहाँ पे किसने जीत लिया है ये 2023 का क्या मलेशिया मास्टर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एच एस प्रणॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे देखो मैक्स वर्स्टैपेन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल जीत लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रीसेंट ग्रैंड प्रिक्स जो जो है कौन कौन से में मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, दैट इज मैक्स वर्स्टैपेन। मियामी, अच्छा कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, नेदरलैंड से, आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 में ये भी जीता है मैक्स वर्स्टैपेन, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपेन, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपेन, लेकिन सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जो है वो सर्जियो परेज ने जीता, जो कि मेक्सिको से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जो है रेड बुल के सर्जियो परेज ने जीता, जो कि कहां के, मेक्सिको के हैं। चलो आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे आप सभी को पता है कि अभी आईपीएल हुए हम सभी के, ठीक है, हमने बहुत अच्छे से देखा था आईपीएल और बहुत ज़्यादा बात भी करी थी आप सभी लोगों ने, बहुत बहुत ज़्यादा खूब सारी क्या करी थी, पंचायती करी थी। अब देखो क्या है कि कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ से, लेकिन हम सभी को पता है कि सीएसके ने जीत लिया है आईपीएल, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो मिलते हैं जो आपको ध्यान नहीं होते या फिर मतलब हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन वो कभी कभी एग्जाम का पार्ट बनते हैं, तो मैं उन सभी को लेकर आया हूँ। तो देखो आईपीएल 2023 के जो विनर है दैट इज़ ऑफकोर्स चेन्नई सुपर किंग। इसके अलावा हाँ, आईपीएल 2023 की रनर अप टीम कौन सी रही, दैट इज गुजरात टाइटंस, और ऑरेंज कैप अवार्ड किसको मिला, शुभमन गिल को, जो कि गुजरात टाइटन से खेलते हैं, 890 रन स्कोर किए। पर्पल कैप किसको मिली, मोहम्मद शमी को, गुजरात टाइटन से खेलते हैं, ठीक है। इसके बाद फेयर प्ले ऑफ द सीजन अवार्ड किसको मिला, अजिंक्य रहाणे को, जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं। कैच ऑफ द सीजन अवार्ड मिला राशिद खान को, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द सीजन अवार्ड मिला फफ डू प्लेसी, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलते हैं। आगे चलते हैं, इंडिया वन कावा वुमेन्स चैलेंज कप 2023। इंडिया ने जो है कावा, जो है मतलब कावा क्या है, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन में जो है वुमेन वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का जीत लिया, जो कि कहाँ हुआ था, काठमांडू में हुआ था। और किसको हराया इंडिया ने, ये भी बात कर लो, तो वो है कजाकिस्तान को हरा के इंडिया ने जीत लिया है। आगे चलते हैं, ज्योति याराज जो है उन्होंने गोल्ड जीता है कहाँ पर, तिलबुर्ग नेदरलैंड्स में, कहाँ पर मतलब क्या है, 100 मीटर हर्डल की जो एक रेस होती है उसके अंदर इन्होंने जीता है। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया अश्विनी कुमार को एज एन एमडी एंड सीईओ ऑफ यूको बैंक, ठीक है। चलो अच्छा एक बार रिवाइज कर लेते वापस से बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर को एमपी, तो यहाँ पे देखो एमडी एंड सीईओ बने कर्नाटका बैंक के, वो है श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा। पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने पेटीएम के, विजय शेखर। और डेप्यूटी एमडी एंड सीईओ कौन बनी आईडीबीआई बैंक के, जया कुमार एस पिल्लई। प्रेसिडेंट बने सीईओ ऑफ पेटीएम कौन बने, भावेश गुप्ता। एमडी एंड सीईओ बने बैंक ऑफ बड़ौदा के देबा दत्ता चंद, ठीक है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने रजनीश कुमार। आगे चलते हैं, शशि थरूर ने एक बुक लॉन्च करी जिसका नाम है विजय दरदास बुक, ठीक है, रिंग साइड उनका नाम है। और ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक आपकी लिखी है, यहाँ पे देखो आपको नाम दे रखा होगा, रिटन बाय लोकमत मीडिया, ठीक है, लोकमत मीडिया ने जो है इसको लिखा है, ठीक है। रीसेंट बुक की बात कर लेते हैं, गोल्डन ईयर्स किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने। इंडियन मेट्रोपॉलिस किसने लिखी है, वरुण गांधी ने। मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज लिखा है अमिताभ कांत ने, और वो है हमारे नीति आयोग के करंट सीईओ। माई लाइफ एज अ कॉमरेड लिखा है के शालीजा ने। और कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन जो है शशि शेखर वेम्पति ने लिखा है। स्मोक एंड एशेस अमिताभ घोष ने लिखी है। आगे चलते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप परफॉर्मर निकल के आया है इन टर्म्स ऑफ एनपीए मैनेजमेंट, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कुछ फाउंडर देख लेते हैं फैक्ट्स। फाउंडर हैं डीके शेट्टी और वीजी काले, और फाउंडेशन हुआ था 16 सितंबर 1935 को, हेडक्वार्टर है पुणे में। सीईओ कौन है, एएस राजीव। तो ये थे हमारे पूरे आज के सेशन, जहाँ पे हमने क्या किया, जितने भी न्यूज़ थे पूरे दो वीक के हमने क्या करा, डिसाइड मतलब पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि उन सभी को न्यूज़ को डिस्कस किया है, एमसीक्यू भी देखें, और ये पूरी दो वीक के जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो आपको सबको अच्छे से पढ़ना है, सबको रिवाइज करना है, दो तीन बार वीडियो को देख लो, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके की जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी अपडेट, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस पाने के लिए तो चैनल से प्लीज जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आप कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हो, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो डालता रहता हूं जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाए और आपको आपकी मतलब गोल यानी कि आपकी जो ड्रीम जॉब है सरकारी नौकरी उसके पास पहुंचाए, ठीक है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए ना तो आप GK24 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते। तो प्लस यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें भी मिल जाती हैं, जैसे कि करंट अफेयर अपडेट जो कि मैं डेली अपडेट करता रहता हूं, और इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यू भी डालता हूं, और इसके अलावा काफी सारा आपको
जो दूसरे सब्जेक्ट है जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन